हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सुरेंद्र मोहन गुप्ता है और मैं एक और एपिसोड लेके आया हूँ जिसमें कि आपकी मेमोरी को, कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट किया जाए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, 1 मिनट से ज़्यादा की है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने यूट्यूब का, वैसे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये न्यूटन कॉलेज 1991 वाले यूट्यूब पर मिलेगी, क्योंकि ये करियर और मोटिवेशन के लिए होता है और ये न्यूटन गुरु वाला जो है ये पढ़ाई लिखाई के लिए होता है। तो इसको आप पूरी वीडियो को इस पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है। नहीं लिंक मिले तो कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको न्यूटन कॉलेज 1991 यूट्यूब पे लिखेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर आपको अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन बूस्ट करनी है तो फ्री वाले में आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सुबह मेडिटेशन के बारे में बताया था और उसके बाद शाम को सोते समय सारा रिवाइज करना है किस तरह से, वो बताया था। ये सारी वीडियोज इस यूट्यूब पे हैं। उसके बाद मैंने भ्रामरी प्राणायाम बताया, आज मैं थोड़ी सी खर्चे वाली बात भी बताऊंगा। तो इसमें आपको पंपकिन सीड्स लेने हैं। पंपकिन सीड्स को अगर आप लेंगे सुबह 1 चम्मच डेली आप इसे खाइए, पंपकिन सीड्स को खाइए, बहुत ही बढ़िया होता है दिमाग के न्यूरॉन के लिए। और उसके बाद है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी में बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी को इंक्रीज करते हैं। ये कई कंपनीज की आती है, बैद्यनाथ की भी आती है, टावर की भी आती है, झंडू की भी आती है, देख लेना एक बार, जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगे वो आप शंख पुष्पी ले सकते हैं। और आज एक आपको नई रिसर्च मैं बताता हूँ जो मैंने कई बार पढ़ी है कि विटामिन डी आप जानते हैं जो धूप से मिलता है और जनरली हम उसको नहीं ले पाते क्योंकि हम सुबह या तो लेट उठते हैं या जो जल्दी उठते हैं वो जल्दी भाग जाते हैं, चाहे स्कूल भाग जाए चाहे ऑफिस भाग जाए, मतलब अल्टीमेटली विटामिन डी नहीं मिल पाता है। तो उसके कारण भी दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं हो जाती कि हम पागल हो जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम होने का मतलब यह है कि हमारी जो कंसंट्रेशन यानी जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। ठीक है जी, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। अब धूप में बैठने का अगर आपके पास समय नहीं है, वैसे तो नेचुरल तरीका तो वही है, लेकिन एक स्टडी हुई है कि मशरूम, अच्छी क्वालिटी का अगर आप मशरूम लेते हैं तो उसको 2 दिन धूप में सुखाइए, धूप में रखिए, सुबह रख दिया शाम तक वहीं रखा रहेगा, और 2 दिन उसको रखिए, और उसके बाद 2 दिन के बाद उसको 1 कप या जितना भी आपका मशरूम है वो अच्छी तरह से डूब जाए उतने पानी में उसको रखिए, कम से कम 1-1.5-2 घंटे उसको रखिए। उसके बाद उसकी सब्जी बना लीजिए या जो भी चीज आपने बनानी है कि थोड़ा बहुत उसको फ्राई करके खाना है, मतलब वो पानी फेंकना नहीं है, वो पानी और मशरूम दोनों चीजें आपको सब्जी में इस्तेमाल करना है। और आप अगर हफ्ते में 2 दिन भी इसको कर लेते, 1 दिन कर ले तो बढ़िया, लेकिन अगर 2 दिन भी कर लेते सोने पे सुहागा हो जाएगा, उससे आपकी विटामिन डी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और विटामिन डी के साथ साथ आपका जो मेमोरी है और वो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी चमत्कार की उम्मीद ना कीजिए, चमत्कार होगा वो अपने टाइम पर होगा, लेकिन मेन चीज क्या है, अपने अंदर सुधार लाना है। अपने अंदर आप सुधार लाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे जिंदगी के अंदर, अदरवाइज तो रोने वाले तो रोते रह जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी किस्मत खराब है। ठीक है जी, किस्मत किसी की खराब नहीं है, उसकी सुधार से कर सकते हैं। फ्री वाले तरीके भी बता दिए और ये वाले भी, अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।